हमीरपुर में कोरोना कर्फ्यू के लागू होते ही जिला भर में पूर्णतया एहतियात बरती जा रही है। प्रशासन के द्वारा दुकानदारों को अपनी दुकानों में भीड़ एकत्रित न करने के साथ दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल लगाकर सामान देने की हिदायत दी है। कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन करने के लिए कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बकायदा बाजार का चक्कर लगाकर दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत काम करने की सख्त हिदायतें दी गई हैं। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो अधिकतर लोगों ने दुकानों के समय सारणी को कम करने की मांग करने के साथ साथ लोगों की गाड़ियों में आवाजाही करने पर सवाल खड़े किए हैं। कई लोगों ने पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की भी सरकार से मांग की है ताकि बढ़ती कोविड चेन को तोड़ा जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोविड की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए पूर्णतः लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लोगों का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान ढिलाई दी जाने से लोग घरों में कम ठहर रहे हैं, जिससे बाजारों में आवाजाही लगी रहेगी। तो बढ़िया है, लेकिन संपूर्ण होना चाहिए ना, सब पूरा बंद होने से जो है फायदा होना था। तो ऐसे अब अभी तो जनता जो है तकरीबन ज्यादा ज्यादा जो 20% तो जनता बाहर ही है, घर से बाहर है, मतलब 10% के तो अंदर है, बाकी तो सारी बाहर ही है, घूम रही है। और बाजार बंद खुले हैं, कुल बैंक बैंक खुले हैं, जो मतलब जरूरी चीज़ें हैं वो भी खुली हैं, लेकिन अगर बंद होने से जो था वो मतलब इस समय जो है वो बीमारी में फायदा होना था। राजकुमार का कहना है कि 10 दिनों के कर्फ्यू के दौरान सख्ती की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लोग आना जाना कर रहे हैं जिससे बाजारों में लोग आ रहे हैं। वहीं फल विक्रेता का कहना है कि दुकानों को खोलने के लिए लंबा समय दिया है और ग्राहक कम आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पहले की तरह लॉकडाउन होना चाहिए और दुकानों की टाइमिंग कम होनी चाहिए। रियायतें नहीं दी जानी चाहिए, बहुत ज्यादा फैल गया है और मतलब टोटल लॉकडाउन लगाना चाहिए। और वैसे भी बाजार में कोई काम नहीं है, जिनकी दुकानें खुली हैं, मेरी खुद की शॉप है भी है, तो आज वैसे भी कोई ग्राहक वगैरह बाजार में है नहीं, तो बाजार को बंद ही कर देना चाहिए या कुछ टाइमिंग करनी चाहिए, जैसे मतलब 9 से 12 कर दो, 2-3 घंटे के लिए बाजार खुलना चाहिए बस। ये तो ठीक है, पर जो टाइमिंग जो है उसके लिए थोड़ा वो करना, क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक जो है मतलब लोग जो हैं, ये काफ़ी लंबा टाइम है, इसकी टाइमिंग जो कम किया जाए, और आना जाना मतलब एक आए और खरीदे चले जाएँ उस तरीके से, क्योंकि हमें सुबह से बैठे हुए हैं, मतलब नहीं कि सुबह से बोनी भी नहीं हुई हमारी, और सामान काफ़ी पड़ा था, इसलिए खोलना मजबूरी है, नुकसान तो है ही है। खैर जब पब्लिक खरीदेंगे नहीं तो कहाँ से माल बेचेंगे, धन्यवाद। इसलिए टाइमिंग के लिए थोड़ा विचार किया जाए, कोई भी दुकान खुली होनी नहीं चाहिए, जैसे पहले लगाया था इन्होंने टोटली लॉकडाउन, वैसा होना चाहिए। अदरवाइज ये तो लोग तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम दिन में घूमते हैं। मैं अभी पूरा शहर का चक्कर लगा के आया तो मैक्सिमम दुकानें खुली हैं, हार्डवेयर की दुकानें खुली हैं, राशन की दुकानें खुली हैं, सब्जी की रेड़ी फड़ी जो भी खड़ा है वो खुली है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें बीमारी में। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि 10 दिनों का कोरोना कर्फ्यू अच्छा कदम है और इसे बहुत पहले लगा देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इससे कोविड चेन को तोड़ने के लिए फायदा मिलेगा। ऐसे तो लोग चले रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं, आधी पब्लिक आ रही है आधी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ऐसा अभी या तो पूरा कर दो या तो फिर खुला कर दो। सफल रहेगी ये सफल जब सभी दुकानें बंद रहेंगी, हार्डवेयर वाली तो दुकानें खुली हैं, सारा बाजार खुला है, तो सफल कैसे रहेगा ये? ये देखो सारी दुकानें खुली हैं, अगले सारे सामान बेच रहे हैं दुकानों में, देखो जाकर आप बहुत बुरा हाल है आपको, सही बात। वैसे है तो अच्छा कदम, लेकिन थोड़ा पहले नहीं हो सकता था ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ भी औरों की और जगहों की तरह यहाँ भी ज़रा फैल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग सारे अगर उसमें कोऑपरेशन करेंगे तो। सर रियायत दी है क्योंकि लोग आ जा सकते हैं 6 से 6 बजे। मैं भी अपने ऑफिस ही जा रहा हूँ, जुडिशरी में जाना पड़ेगा ना जब बुलाएंगे तो। लेकिन हाँ वैसे एमलेसली घूम रहे हैं फिर तुम गलत हो ना, ये है आगे हम लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, तभी है इसमें फ़ायदा, तभी है इकट्ठे मिलकर हम करेंगे कोशिश चेन के लिए। ऐसा है बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आमदन होगी आदमियों की तो ज़्यादा फैलेगी, इसलिए सरकार ने जो अच्छा निर्णय लिया और ये होना चाहिए। ये जो टाइमिंग की है सुबह से 6 से शाम 6, इसमें क्या? ये टाइम जो है ये जरा सुबह 6 बजे के बजाय 8 बजे कर दें, और सुबह शाम को 6 बजे चाहिए,
क्योंकि लेबर की छुट्टी होती है तो लेबर वालों ने कुछ लेना होता है, उनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, वो एक महीने का राशन रख लें तो उन्होंने तो रोज लेना और रोज खाना है, तो इसलिए 6 बजे तो बिल्कुल ठीक है, सुबह से घटा दें तो ठीक है।